वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, दिस इज सागर करबंदा। तो बारिश दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है, आई थिंक सभी जगह ही हो रही है। और बारिश के अंदर हमें पकोड़े खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, गर्म गर्म पकोड़े और साथ में चाय, क्या ही बात है। तो आज हम उन्हीं पकोड़ों का रिप्लेस करेंगे क्रिस्पी पनीर फिंगर के साथ, जो कि बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और बहुत अमेजिंग टेस्ट है। ईजीली हम घर पर बना सकते हैं, और चलिए ये सिखाता हूँ बहुत ही इजी वे के अंदर और बहुत ही आसान तरीके से। और अब आप भी बारिश को एंजॉय कीजिए पकोड़ों के साथ, नहीं क्रिस्पी पनीर फिंगर के साथ। तो चलिए देर किस बात की, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां मैंने हाफ कप लिया मैदा और हाफ कप अरारोट, दोनों को कर लिया हमने मिक्स। अब मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पानी, धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे ताकि लम्प्स फॉर्म ना हो हमारे। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स ताकि हमारा कोई लम्प्स फॉर्म ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ। देख रहे हैं कोई लंप्स नहीं है इसमें। अब यहां पे हम कुछ डालेंगे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं यहां डाल रहा हूं एज पर योर टेस्ट सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैं डाल रहा हूं किचन किंग, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, विनेगर, और थोड़ा सा रेड फूड कलर। इसके बाद हम कर लेंगे अच्छे से इसको मिक्स। देख रहे हैं कितना ऑसम कलर आ गया इसके अंदर, बहुत अमेजिंग सा कलर आ गया है। तो बैटर हो गया हमारा रेडी। बैटर को रेडी करना कितना ही ज्यादा इजी है, अब इसे आप घर पे बहुत इजीली कुक कर सकते हैं क्रिस्पी पनीर फिंगर को, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से बैटर हमारा रेडी हो गया। तो बैटर हो गया हमारा रेडी। यहाँ पे मैंने कुछ पनीर के पीस को कट करके रखा हुआ है, आप चाहे इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लंबा कट किया। और यहाँ पे हमें चाहिए कुछ ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने बड़े बाउल के अंदर लिए ताकि हमें इसको मिक्स करना और कट करना ईजी हो जाए। और ड्रेसिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए मायो, इसके अंदर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो, जिसका टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो अब शुरू करने से पहले ऑयल को कर रहे हैं हम गरम। तो हमें पनीर को फ्राई कैसे करना है, अब उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया पनीर, इसे डिप करेंगे हम बैटर के अंदर, अच्छे से हमारा बैटर इसको कोट हो जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अच्छे से इसको कोट करने के बाद, ये मैंने बड़ा बाउल इसीलिए लिया ताकि हमारा बैटर के बाद
ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने लिए हैं इसे काट हो जाए इजीली। इसके अंदर मैंने डाल दिया इसको और यहाँ से हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर कोट कर देंगे। देख रहे हैं ब्रेड क्रम्स हमारा बहुत इजीली कोट हो गया है। कोट करने के बाद मैं इसे यहाँ पे एक प्लेट में सेट होने के लिए 2 मिनट के लिए रख रहा हूँ। ऐसे ही हम सभी पनीर के पीस को बैटर में डिप करके और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर देंगे। बहुत इजी वे के अंदर। तो एक एक करके मैंने सभी पनीर को कोट कर दिया ब्रेड क्रम्ब के साथ। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपको भी ऐसे करना है, एक एक करके कोट करके 2 मिनट के लिए रख लेना और अब हम इसे फ्राई करने जा रहे हैं। ऑयल हमें एकदम गर्म रखना है और उसके बाद हमें एक एक करके फ्राई करना है। यहाँ पे मैं इसे एक बार नाइफ की हेल्प से चला रहा हूँ ताकि हमारे पनीर के पीस टूटे ना। देख रहे हैं कितना प्यारा टेक्सचर आ गया और कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। पकौड़े भी भूल जाएंगे आप, ट्रस्ट में पकौड़े तो भूल जाएंगे यार। कितना अमेजिंग टेक्सचर और कितना अमेजिंग कलर आ चुका है। हमें पानी आ रहा है ना, तो इसे घर पे जरूर बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। तो अब हमारे क्रिस्पी पनीर फिंगर हो गए हैं रेडी। देख रहे हैं कितना ऑसम टेक्सचर, कितनी ऑसम शक्ल। जैसे ही शक्ल है वैसे ही अकल है, बहुत अमेजिंग है। देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया थोड़ा सा मैगी मसाला और थोड़ा चाट मसाला, जिससे हमारा टेस्ट और भी एनहेंस हो जाएगा। जस्ट वाव वाली फील आ रही है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे। तो क्रिस्पी पनीर फिंगर हो गए हमारे रेडी। अब जल्दी जाइए घर पे बनाइए और अपने फैमिली को खिलाइए और इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर।